आप देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। पूर्णिया SP दयाशंकर के द्वारा सदर SDPO आनंद कुमार पांडे के नेतृत्व में एक टीम गठित कर सदर थाना क्षेत्र के गुलाबबाग खटाल पट्टी में छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें भारी मात्रा में स्मैक के साथ साथ एक युवक सहित तीन महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि SP दयाशंकर को गुप्त सूचना मिली थी कि गुलाबबाग के खटाल पट्टी में भारी मात्रा में स्मैक का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जिसके बाद गठित टीम ने केहाट थाना की पुलिस के साथ सदर थाना को बिना सूचना दिए गुलाबबाग के खटाल पट्टी पहुंचकर छापेमारी कर दी, जिसमें स्मैक के साथ एक युवक सहित तीन महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा स्मैक का कारोबार करने वाले कई जगहों पर छापेमारी भी जारी है।